सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज की इस वाली न्यू वीडियो पर। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जाने वाले एंशियंट सिटी। बट एक सेकंड, मेरे पास तो नेदरराइट का आर्मर था एंड बहुत सारे काफी कुछ था सामान, ट्राइडेंट और बहुत कुछ था, तो वो सारा कुछ गया तो गया कहां। तो कल मेरे पास यहां पर निज गेमर आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक स्विफ्ट कुछ तो एक एंशियंटेड बुक थी वो देते हैं, जिससे मैं स्विफ्ट दबाकर भी अच्छे से ब्रिजिंग कर सकता हूं, मतलब काफी तेज ब्रिजिंग कर सकता हूं। और उसके बदले वो मेरे से शायद एमरल्ड लेते हैं, फिर वो मेरे से बोलते हैं कि वो मेरे को एंशियंट सिटी का कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, उसके बदले मेरे से वो 3 एंड क्रिस्टल लेते हैं जिसमें से मैं उन्हें एक दे देता हूं ताकि मुझे वहां तक वो लेके जाएं, और वहां पर ले जाने के बाद वो मुझे ट्रैप में फंसा देता है जो कि होता है वार्डन का ट्रैप। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उन्होंने मुझे मारा क्यों, क्या उन्हें मेरा आर्मर चाहिए था? पर आर्मर तो वो खुद भी बना सकते थे भाई, 24 डायमंड चाहिए एक आर्मर बनाने के लिए। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, अगर आप लोगों को वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट एक सेकंड, इस पूरे में ना एक प्रॉब्लम है। मैं समझ गया कि निज गेमर ने आखिर मुझे मारा क्यों था जब मैं इस आर्मर को क्राफ्ट कर रहा था। ये भी एक प्रोटेक्शन 6 का आर्मर है, आप देख सकते हो, ये देखो प्रोटेक्शन 6 मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 3 लगा हुआ है इस पे, बल्कि उसमें अनब्रेकिंग 4 था एंड वो अनब्रेकेबल था, और ये अनब्रेकेबल नहीं है, मतलब कि ये आर्मर टूट सकता है, ये बात है इसमें। मैं कह रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा करा तो करा क्यों, मुझे मारा क्यों, तो मुझे समझ आ गया उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि अब सर्वर से अनब्रेकिंग 4 और अनब्रेकेबल जा चुका है, तो मतलब कि हमारा आर्मर अब टूट सकता है, इसीलिए उन्होंने मुझे मारा था। यानी कि मैं अनब्रेकेबल आर्मर क्राफ्ट नहीं कर सकता, यानी वॉर में मेरे हारने के चांस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि मेरा आर्मर टूट जाएगा और मैं जल्दी से मर जाऊंगा क्योंकि वो वॉर बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। तो मेरे पास अभी एक प्लान है, मैं फटाफट से एक न्यू एंशियंट सिटी ढूंढूंगा और वहां पर जाऊंगा, वहां पर जाके एक वार्डन का ट्रैप बनाऊंगा और उसमें एक बंदे को गिराना जिसके पास प्रोटेक्शन 6 एंड अनब्रेकेबल आर्मर हो। तो मेरे दिमाग में अभी घसीटा आ रहा है, बट मेरे किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है अभी, बस निज गेमर को छोड़ के। तो फिलहाल मैं घसीटा को गिराऊंगा ताकि मेरे को अनब्रेकेबल आर्मर मिल जाए और उसे मैं ये वाला आर्मर गिफ्ट कर दूंगा, पता नहीं क्यों, पर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी यहां से चलते हैं और मैं फटाफट से इस वाले आर्मर को नेदरराइट में कवर करता हूं और इसमें जो जो एंचेंटमेंट लगती है, टूल्स और जो भी बनाने मेरे को, मैं सब बना लेता हूं। और हां, मैं आप लोगों को अभी एक मेरे को सीक्रेट चीज पता लगी है, ये देखो मेरे 3 एंचेंटेड गोल्डन एप्पल एंड ये थी स्विफ्ट स्नेक 3, बट वो सब छोड़ो, मेरे को चाहिए था ये वाला। इसमें से मेरे को चाहिए ये इंगट, 1 2 3 4, हां 4 मिल गए। यहां पर कहीं स्मिथिंग टेबल नहीं है क्या? हेलो, स्मिथिंग टेबल किधर है भाई साहब? स्मिथिंग टेबल भी चोरी करके ले गए ये लोग। ये रखा मैंने इधर आर्मर, एक सेकंड, ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ये एंड ये मेरा फुली आर्मर नेदरराइट में बन चुका है अभी। तो यहाँ से चलते हैं और अपने टूल्स बनाते हैं। मेरा नेदरराइट का आर्मर कितना प्यारा लग रहा है, वो एक सेकंड सलकर कोई चोरी करके ले जाए यहाँ से। और ये पिकैक्स भी एफिशिएंसी 5 की काफी अच्छी पिकैक्स है, इसे भी नेदरराइट में, नहीं इसको जरूरत नहीं करने की, छोड़ो, गजब बेइज्जती है। फटाफट से सलकर बॉक्स तोड़ते हैं एंड एंडर चेस्ट में से डाल देते हैं, ये रखा है एंडर चेस्ट में से। और यहाँ पर कुछ एंचेंटेड बुक्स थी मेरे पास, ओके ये रही काफी ज्यादा है भाई। शार्पनेस 5 ये ले लेते हैं, सिल्क टच ले लेते हैं ताकि मैं अपनी पिकैक्स पर लगा सकूं। और क्या चाहिए मेरे को? सोल स्पीड रिप्टाइड 3, बट नहीं चाहिए, थोड़ा भी तो ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास एक ट्राइडेंट भी था जो कि मैं वहीं पर छोड़कर आ गया, छोड़कर क्या मतलब गिर गया, वहीं पर नॉक बैक 1 ले लेते हैं। और एक फायर एक्सपेक्ट था क्या? ओके फायर एक्सपेक्ट भी। और एक कुछ इंटेंटेड बुक्स ऊपर वाले में जो कि सिर्फ अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग की है, जो कि मैंने खास रखी थी यहीं पर ही। ओके, तो अभी यहाँ से चलते हैं, मैं स्टीवी के घर में जाता हूँ, मेरे को उसका सीक्रेट वेस मिल चुका है गाइस, मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। मेरे पास उसका एक सीक्रेट वेस जो कि मैं ढूंढा और मेरे को वहां से क्या मिला, मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये रहा, और इधर से नीचे ये रहा, और इसकी यहाँ पर इस वाली चेस्ट में कहीं पर ओपी ये वाली चेस्ट भाई, लेवल ही लेवल, इसी की बात कर रहा था। यहाँ से फोड़ते और बहुत सारे लेवल ले लेते हैं। ओके, तो साथ ही साथ हम लोग लगाते रहेंगे अपनी जो भी ओके यहाँ पर है स्मिथिंग टेबल, बट एनविल किधर है? वेयर इज एनविल? एक सेकंड, क्या क्या रखा हुआ इधर भाई, काफी कुछ है। चलो एक ये ले लेते हैं, खाने में पम्पकिन पाई ले लेते हैं, खाने की हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए। और इंस्टेंट हेल्थ के इतने सारे पोषण क्यों रखे हुए हैं इसने, पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। ओ भाई साहब सीरियसली, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया था ऊपर वाला बैरल, स्ट्रेंथ के पोषण, नाइट विजन स्पीड, नाइट विजन सॉरी स्पीड के पोषण। ओके, तो यहाँ पर वुड मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ये रहा एक, जिससे मैं स्टिक्स बना पाऊंगा इधर। ओके, तो यहाँ से मैं ऊपर आ चुका हूँ और इसे ढक देते हैं जैसे ही था। और एनविल कहाँ से मिलेगा मेरे को पता नहीं है, पर मैं आयरन फार्म पर जा सकता हूँ जहाँ से मेरे को एनविल बनाने का सामान मिल जाएगा। ओके, तो मेरे को आयरन फार्म में मैं आ चुका हूँ और अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं वापस से। और ये आए मैं ऊपर,
ये बन गई एनविल जो कि मैं रखूंगा इधर, और इस पर लगाते हैं अभी हमारे पास क्या क्या लग चुका है ये, और मेरे को चाहिएगा इस पर लगाने के लिए एक नॉकबैक वन एंड फाइव शार्पनेस, वो कि 12 लेवल चाहिए जो कि हमारे पास कम ही नहीं है लेवल के अभी। ये रखा है 12 लेवल करने है ना, फटाफट से 12 लेवल करते हैं। ओके तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधे एंशिएंट सिटी में, थोड़ा घर पे जाता हूँ, उसके बाद सीधा आप लोगों को एंशिएंट सिटी फाइंड करने के बाद मिलता हूँ। भाई पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है मेरे को, पर वो जितना भी आसपास तो नहीं होने वाली, वो काफ़ी ज़्यादा दूर होने वाली है क्योंकि आसपास ऑलरेडी एरिया रोडेड है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घूमे थे भाई जब 1.18 था, तो इतना ज़्यादा ग्राइंड करते थे कि वो बहुत ज़्यादा घूम लेते। तभी मेरे को सीधा जाना है एंशिएंट सिटी, उसके बाद पहुँचने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। हेलो, मिल गई क्या मेरे को एंशिएंट सिटी? भाई सीरियसली कितना ज्यादा देर से घूम रहा था मैं। नहीं नहीं ये वार्डन को निकालेगा, चिमकांडी निकल भाई, नीचे होगी पक्का सिटी मिलती है ना इधर, मेरे को पता नहीं है यार, इतनी देर बाद कुछ आस मिली मेरे को। ओके ओके मिली सिटी, भाई वाटर बकेट हो गई, क्या हुई है? एक सेकंड, रीजनरेशन के पोषण, ओके ओके ले लेते हैं। क्या गोल, अबे नहीं वार्डन आ रहा, सिट क्योंकि मैं निजगेमर वाली एंशिएंट सिटी भूल चुका हूँ, पता नहीं किधर है वो, तो मेरे को अभी इसे ढूंढना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी भाई, मेरे पास खाना भी नहीं है लिटरली। तो यहाँ से देखते हैं मेरे को कहीं पर कुछ अच्छा अच्छा सामान मिल जाए, उसके बाद में कसीटा को ट्रैप करता हूँ। भाई साहब मेरा नाइट विजन भी जा चुका है, और मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट मिली है, प्लीज प्लीज जल्दी दीजिए, जिसके अंदर एक और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल है। भाई लिटरली कितनी ज्यादा मिल रही है इधर, सिट से क्या ही, अच्छा बॉल है, ओके 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 बॉल है, इधर से निकलो, इधर से निकलो, इधर से निकलो, इधर से निकलो, इधर कुछ नहीं है, इधर से भी निकलो, इधर भी कुछ नहीं है, फटाफट भागो यहाँ से, मेरे ख्याल से वार्डन स्पॉन हो रहा है, आई थिंक सो। भाई डायमंड मिले इधर, मैं छोड़ कर चले आता अभी, मैं बहुत बड़ा वाला चमकांडी, मेरे को दो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल चुके हैं, वाओ इसे फेंक देते, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ से चलते हैं आगे, चेस्ट चेस्ट चेस्ट, टाइम टाइम पर ये क्या हो गया ना मेरे साथ, हेलो वार्डन स्पॉन उतर रहता है, इस पर गुस्सा आते मेरे को सीरियसली। एक सेकंड, ये कौन सी बुक थी, फॉर्चून टू, छोड़ो भाई से छोड़ो, यहाँ पे मरने से बढ़िया क्या, से भागो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, क्या मैं सेफ हूँ, आई डोंट नो, मेरे को चार इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गए लिटरली, भाई इसे ढूंढने में लोगों के हालत टाइट हो जाती है, मेरे को चार तो यूं ही मिल गए भाई, आई एम टू मच लकी। अबे मेरे ऊपर आइए, मतलब मेरे नीचे, नहीं 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 नहीं, ये कुछ तो बीम आने वाला, पक्का 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 पक्का, सीट 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 सीट, भागो 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 भागो, भाई साहब वार्डन काफ़ी बुरा है यार, वो लिटरली मेरे को दो हिट कर सकता है मेरे ख्याल से तो, बट यहाँ से मेरे को चल, एक सेकंड चेस्ट, नो वे कि मेरे को दो और इंचेंट सिट, भाग यहां से गोल वो निकलने वाला वार्डन, अबे मेरी आंखों के सामने, नहीं 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 नहीं, चेस्ट लूटो, नहीं चेस्ट में कुछ नहीं, जल्दी भागो यहां से, अबे नहीं 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 नहीं, भाई मैं डर गया, मेरी आंखों के सामने है भाई, नहीं 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 नहीं, मारना नहीं मारना नहीं, मैं यहां पे छुप जाता फटाफट फटाफट फटाफट, इस टीवी ज्वाइन द गेम, अरे यार फिर से मेरा पोषण खत्म, इसे पी लेता हूं फटाफट से। ओके मेरे पास कितनी ज़्यादा बोतलें हो चुकी हैं भाई, कितनी सारी बोतलें खाली कर दी मैंने, हेलो फिर से निकल रहा है वार्डन, कितनी जगह से निकलता है ये, वो मेरे पास 6 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल है जो कि मैं फटाफट से अंडर चेस्ट में डाल देता हूँ, ताकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे ये ना जाए इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, मेरे पास 9 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भाई साहब, ओपी। और गाइस मैं आपको ये पूरी एंशिएंट सिटी नहीं घुमाने वाला, क्योंकि लिटरली इसकी रिकॉर्डिंग ही मेरे पर 1.5 घंटे की हो चुकी है,
तो मैं आपको इसके छोटे छोटे पार्ट दिखला दूं। पूरी वीडियो दिखाने में भाई मेरा डेढ़ घंटा ही निकल जाएगा सिर्फ इसी को। तो मैं बोल रहा था मैं इसके आपको मेन मेन पार्ट दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ एंचेंटेड गोल्डन एप्पल होंगे शायद से, और दो तीन मेन पार्ट और दिखाऊंगा जहां मैं वार्डन से बचाऊं। तो अभी हम बनाते हैं एक ट्रैप जो कि घसीटा को यहां से घसीटेगा। अबे यहीं से निकल गया, क्या ये धरा दिया इसने मेरे को, आंखों के सामने से निकल जाता ये। ओके ओके, तो मैं पहले ट्रैप बनाता हूं फिर आप लोगों से मिलता हूं। ओके गाइस, तो मेरा ट्रैप बनकर एकदम रेडी हो चुका है। मेरे पास लिटरली मेरे पंपकिन पाई भी बचे हुए थे दो तीन, एंड मेरे पास एक स्टैक गोल्डन कैरेट थी जो कि पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, और मेरे पास गोल्डन एप्पल भी था वो भी खत्म, और एंड एंड्रपल भाई साहब इतना ज्यादा वार्डन इनोइंग है ना, इतना मारता है ना वो, मेरे टोटम भी वेस्ट करा दिया। मेरे को याद है मेरे पास टोटम भी था, मैं टोटम लेकर गया था वहां पर, मैं एक बार मरते मरते बचा था हाफ हट पर, तो रिकॉर्डिंग और नहीं थी वरना मैं आप लोगों को दिखला देता। मैं फाइनली वार्डन को वहां पर ट्रैप में डाल चुका हूं, और वहां पर डालना मेरे को घसीटा को। तो अभी घसीटा को ढूंढते हैं किधर है। वीसी घसीटा गेम में, ओके घसीटा है गेम में, वीसी घसीटा। हेलो 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 घसीटा, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ? हम बढ़िया, आप कहाँ पर हो? मैं दीपवाज घर के पास हूँ जो फूटा हुआ था, क्या काम है? एक सेकंड मैं आपके पास आता हूँ ना। हाँ मैं बता रहा था कि आपको पता है एक मस्त चीज 1.19 आया हुआ है। हाँ 1.19 में एक बहुत बढ़िया एंशिएंट सिटी भी आई है। हाँ तो अरे पता है उस एंशिएंट सिटी में इतने सारे एंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिलते हैं ना, आपकी इन्वेंटरी कम पड़ जाएगी। मेरी इन्वेंटरी कुछ भी बोल रहे हो? अरे सच में भाई मेरे को भी वहां से 6 मिल गए, मतलब वो तो कहावत थी बट सच में मेरे को वहां से 6 मिले, वो भी एक डेढ़ घंटे में ही। 6? हाँ 6। कितना फेंक रहे हो झूठे? अरे सच में बोलो बोलो, मैं आपको एक दे भी सकता हूँ। हाँ दो। एक एंचेंटेड एप्पल के बदले मेरे को आप क्या दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? चलो एक टोटम ही दे दो, कोई बात नहीं। टोटम हाँ ओके दे दूंगा। हाँ कहाँ पर हो? ये रहेगा, ये देखो भाई साहब, मार गिरा, डर गया मैं। सॉरी। ये लो। हाँ टोटम दो, टोटम 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 बे यार, गंदे बच्चे टोटम मांगते हो, ये लो। देखो इंचेंटेड रियल है वो। आ गया। आपको वहां पर जाना है? रियल है। भाई बोल रहा हूँ ना मैं, देखो एक टोटम के बदले मैंने आपको एक इंचेंटेड एप्पल दे दिया, सोचो कितना आसानी हो गया मिलना इसको। ओ हाँ, थैंक यू। हाँ आपको वहां पर जाना है, आप वहां से और भी ढूंढ सकते हो, वहां बहुत ज्यादा, पर वहां पर थोड़ा खतरा ज्यादा है ना, इसलिए मैं थोड़े कम ढूंढ के लाया। वो तो ठीक है भाई, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हो? आपको वॉर नहीं जीतनी क्या? अरे मतलब मेरे पास तो पता कितने, मेरे पास ऑलरेडी 8 है। बे क्या करोगे, बम्बानी बन रखे हो? वही तो, मेरे पास 9 थे, ये मैंने आपको एक दे दिया, पता है वहां से मेरे को 6 मिले, 3 मेरे पास पहले से थे। मैं बहुत ज्यादा मैं ओवर पावर्ड हो चुका हूँ, सोच रहा हूँ आपको भी कुछ दे दूँ। सही सोचो, आपको जाना है तो बताओ, मैं ले चलता हूँ आपको वहां तक। आपको किंग नहीं बनना क्या? बना रहे, मैं तो वैसे बन जाऊंगा, मैं सोचा आपके पास थोड़ा कम है ना, और आपको रेसिपी नहीं पता उसकी, तो इसलिए मैं सोच रहा कि आपको लेकर चलता हूँ। इंचेंटेड गोल्डन एप्पल दिलाया था मैं अपने दोस्त को। मैं आपका दोस्त कब से हो गया? अरे मतलब हो तो पड़ोसी ना, देखो मेरा घर वो रहा, ये रहा आपका घर, ऐसा पड़ोसी पड़ोसी था। कुछ भी शक हो रहा है मुझे आप पे, पर कोई नहीं, अभी तक आपने मेरे साथ कोई स्कैम नहीं किया है तो हाँ ठीक है। चलो आ जाओ चलते हैं, इधर है वो खाना, प्रोटेक्शन 6 का आर्मर तो पहन रखा ना आपने, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा है। हाँ पहन रखा। A few moments later. आ जाओ घसीटा, बस पहुंचने वाले, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आप राजा बन जाओगे क्या? हाँ क्या लगता है? अगर बन गए ना तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। क्या 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 क्या? ये देखो ये अंडा है ना, ये तो फेंक के मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। भाई गंदे बच्चे, मेरे को अंडा देते हो भाई साहब, मार रहे मेरे को। अच्छा चलो इधर आओ, आई थिंक इसके, हाँ इसके नीचे यहीं पर है, आस पास ले जा रहे। अबे ये क्या था? नहीं अबे ये कौन है? अबे भाई क्या है ये? कुछ नहीं, आपने कुछ देखा ही नहीं। हेलो भाई साहब, प्लान सक्सेसफुल। और घसीटा क्या है, कैसे हो? सॉरी घसीटा, सॉरी
सॉरी गजिता, सॉरी सॉरी। अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको आपका सामान वापस दे देगा, चिंता ना को करो। भाई मार क्यों दिया मुझे? और अब सुट भाई मर तो मैं जा रहा हूँ इधर। नहीं 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 भाई सब उधर वार्डन है, मैं कैसे लूं सामान? सिट सिट भाई सिट यार, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। ओके 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 गाइस, तो मैं घसीटा का सारा सामान यहाँ पे वापस लेकर आ चुका हूँ। मतलब कि जो आर्मर था ये उसने क्या क्या लगा रखा है इस पर, मेंडिंग प्रोटेक्शन रिस्पायरेशन, हेलमेट पर रिस्पायरेशन भी लगा हुआ है इसके, नाइस। तो अभी ये वाला हेलमेट जाएगा मेरे सर पर और इसका मेरा वाला हेलमेट आएगा इसके पास, और इसने फेदर फॉलिंग लगा रखा है, नाइस भाई, ये तो मस्त इंचेंटेड है भाई। तो अभी यहाँ से सीधे घर चलते हैं और उसको ये वाला आर्मर दे देंगे, प्रोटेक्शन 6 का तो है ही, और उसे ये बात नहीं पता कि ये वाला आर्मर ब्रेकेबल है, और मैं ये बात उसे बताने भी नहीं वाला हूँ, और मैं ये किसी को नहीं बताने वाला क्योंकि निज के मन ने मुझे भी नहीं बताई थी। अब जो फंसेगा जो मरेगा उसके हाथ में, जब उसे पता लगेगा ना उसका आर्मर टूट सकता है तो वो बात को पछताएगा और वो सोचेगा कि मैं भी किसी को मार लेता पर पता नहीं घसीटा किसको मारेगा। तो मैं निज गेमर को नहीं मार सकता था किसी भी हालत में, क्योंकि जिस बंदे ने मेरे को ट्रैप में फंसाया वो मेरे पीछे आने के लिए क्यों राजी होगा, इसीलिए मैंने उनको फंसाने की बजाय सोचा घसीटा को फंसा लेते हैं, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसे किस लिए फंसाया था, मेरा मकसद क्या था उसे मारने के पीछे। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी सीधे घर चलते हैं और उसको उसका आर्मर वापस लौटाते हैं। हेलो घसीटा, मैं वापस आ गया। हेलो, कहाँ पर हो? टाउन हॉल में, मेरा आर्मर वापस कर दो। अच्छा टाउन हॉल में ही हो? ओके 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 ओके, मैं दे रहा हूँ आर्मर, दे रहा हूँ। कहाँ पर? अच्छा ये लो ये लो। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये ले। अरे अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। अरे ये क्या कर दिया मैंने, गलती से सच्चाई दबा दी। ओके ओके, ये लो ये लो आपका ये सामान, ये भी ये भी ये भी ये भी सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नहीं है। अरे सब आपका, ये चिंता मत करो, ये लो आपका ट्राइड है। टकला मेरा नहीं है। किसका है टकला, दे दो फिर मुझे। नहीं आपका तो। अरे देखो वो, अरे वो देखो प्रोटेक्शन 6 का ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लगा लेना जो थोड़ा बहुत बचाओ आपका। ये लो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी ऊपर से, वो सॉरी नॉर्मल वाला है। अरे वो भाई वो पता नहीं क्या हो गया। चलो बाय बाय, मैं चलता हूँ। आपको प्रोटेक्शन 6 का आर्मर दिया मैंने, चिंता मत करो। ओ एक मिनट, क्या हुआ क्या हुआ? मेरा बो वापिस करो। बो नहीं है मेरे पास, सॉरी बो नहीं है मेरे पास, एक्स है, बोलो एक्स। नहीं तुम अपनी एक्स अपने पास ही रखो, मेरे पास आएगी पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। इस वीडियो को लाइक के 2 लाइक का एक आपको कर रहे हैं, आपको दूसरे फोन से करना। मुझे पता है आपके पास 2-2 फोन है पर आप लोग लाइक नहीं करते हो। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना क्योंकि वॉर होने वाला है। अगर आपको वाला वॉर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि सबसे पहले वीडियो मैं डालकर आपको दिखला दूं कि वॉर में कौन जीता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।